तो दोस्तों, रशिया भारत का सबसे भरोसेमंद मित्रों में से एक मित्र देश माना जाता है और अभी 2022 के बाद रशिया और भारत की दोस्ती काफी ज्यादा बड़ी भी है, परंतु यह दोस्ती पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आती है। और अब ऐसा देखने को भी मिला है कि जब भारत और रूस की दोस्ती संकट के समय में देखने को मिली है तो अमेरिकन मीडिया भारत के ऊपर आग बबूला है। दरअसल इस समय भारत को चाइना को काउंटर करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि चीन के पास संख्या वाइज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और इसलिए भारत भी अपने नौसैनिक जहाजों की संख्या को लगातार बढ़ा रहा है ताकि हिंद महासागर में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अब इसी को लेकर 2018 में भारत और रशिया के बीच में 4 स्टेल्थ फ्रिगेट की डील हुई थी, जिसकी कीमत करीब $950 मिलियन से $1 बिलियन के पास थी, यानी अभी के लगभग 8,000 करोड़ रुपए। और इनमें से 2 फ्रिगेट रशिया के अंदर बनाए जा रहे थे और 2 भारत के अंदर बन रहे थे। अब अमेरिकन मीडिया ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिसमें यह साफ लिखा जा रहा है कि रशिया ने इतने सारे सैंक्शन लगे होने के बावजूद भी भारत को 2 नए स्टेल्थ फ्रिगेट की जो डिलीवरी है उसको करने का मन बना लिया है। और अभी सितंबर 2024 में भारत को पहली फ्रिगेट मिलेगी और इसके अलावा एक और नई फ्रिगेट नई साल यानी 2025 के स्टार्टिंग के अंदर रशिया भारत को दे देगा। वैसे यह जो डील है वो 2 साल डिले चल रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई, साथ में अमेरिका के रशिया के ऊपर प्रतिबंध, भारत और रूस की इस डील का सबसे बड़ा रोड़ा थे, क्योंकि भारत रशिया को इन फ्रिगेट के पैसे ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने पैसों और ट्रांजेक्शन को लेकर रूस के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। परंतु फिर भी रशिया ने भारत की आवश्यकता को समझा और 2 साल बाद ही सही इन फ्रिगेट को भारत को देने का फैसला लिया है, जिससे पश्चिमी देश तो काफी ज्यादा हैरान है, साथ में चीन के भी तोते उड़ चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद।